ये जो सामने दिख रहा है ना, ये एक टंकी सा बनाया हुआ है, ये एक्चुअली असली में ये जेल है राजा महाराजा को टाइम के। और जेल के साथ साथ इसके ऊपर तोपची भी बैठता था, तोप लगा के बैठता था तोपची। तो खैर हम अभी इधर को जाएंगे महल की तरफ, उसके बाद हम जेल की तरफ। अरे सलो धीरे धीरे सलो, जल्दी पहुंचेंगे। इसमें पानी तो है, कचरा इतना है ना, कचरा इतना है कि क्या बताऊं। बहुत दुख होता है मुझे, मैं तो बहुत परेशान हो गया। दीवार देखिए कितनी चौड़ी है, नजारा देखिए गाइस। ये देखो गाइस, इस किले में तोपची बैठते हैं वहाँ, वो देखो तोप के लिए जगह रखी हुई है, वो देखो भाई। अभी तो आटे जी अंदर से थोड़ा गिर गया है, पहले जमाने की देखे दीवार, तो नाप के बताऊं 3.5 फुट का दीवार चौड़ा है। तो आप ये खुद सोचिए कि जो हमारी इमारतें हैं जो इतना पानी नहीं है, आगे कुआं उसमें पानी, इन चीजों को बनाते इतनी मजबूरी से। अब हम आपको ऊपर किले पे जाके दिखाएंगे थोड़ा थोड़ी उसे। ये किले पुराने हैं, कुछ पता नहीं होता है, विश्वास थोड़ा कम ही करना होता है। बस हम जरा रिस्क लेके चढ़ रहे हैं गाइस, ये देखो ये भी आपकी खातिर। ये देखो गाइस, ये मेरे नीचे पत्थर बिल्कुल खोखला है, आपके खातिर चढ़ रहे हैं। और आपने हमारे YouTube चैनल को बूमू आशिक को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना है, तो आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो दिखाएंगे। ये देखो गाइस, सामने अपना ऊना का बस स्टैंड वगैरह दिखता है यहाँ से, पर अब ये देखो ये है। वैसे मैं यहाँ से डब सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं डब सकता, पर रिस्क नहीं लेना चाहता मैं अभी, अगर गिरा तो मेरी हड्डी नहीं बचेगी। देखो गाइस, दिस इज़ आवर किला ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत ज़्यादा थोड़े पीछे से रास्ते में है, हम बहुत बच बच के चल रहे हैं, यहाँ पर रिस्क होता है गाइस। अरे कहाँ चल रहे हो आप? ये देखो शहंशाह जी बैठ चुके हैं। देखो भाइयों, आप यकीन माने आज की डेट में अगर इन मंत्री साहब देना, कम से कम 10 बिल्डिंगें तो बन जाएंगी ऐसी ऐसी, इतने पत्थर है यहाँ। तो इसलिए हम लोगों को जो भी हमारा जो इतिहास है उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए। उसमें गाइस कैमरा हिला के मैं दिखाना चाहता हूँ शहंशाह का हर शॉट, ये देखो हमारा क्या होगा कि हमारे ये मंत्री पीढ़ी जो है वो लोग इस चीज़ को याद रखेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे ज़िंदगी गुजारते थे और किन किन हालातों में उन्होंने अपना बसर किया। बाबू मच्छर यार दीवार कच्ची,
मैं अपने कैमरामैन विनय को एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, एक बार सारा किले का नज़ारा दिखाइए और उसके बाद ये देखो बैठा बैठो, इसके बाद खत्म कर रहे हैं, खत्म करना चाहते हैं इसको। प्रकृति ने अपना पूरा इस पे जोर दिखा चुका है और मैं यहाँ के गवर्नमेंट को अपील करता हूँ इस यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब बूम आशा के यूट्यूब चैनल के जरिए, कि भाई आप इस किले की मरम्मत कराइए और कम से कम टूरिस्ट प्लेस बना दीजिए, टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए। तो चले इसी के साथ हमारी वीडियोस खत्म होती है। राजा साहब रुके, तो हुक्म दीजिए। तख लिया, ओके तख लिया, चल गन जाओ और चलिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बूम बूम आशिक चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस वो सब्सक्राइब वाला बटन दब देना चाहिए और कमेंट भी करा करो गाइज। मैं अक्सर हम कमेंट पढ़ते हैं, कुछ हेटर्स होते हैं और कुछ अच्छे होते हैं, तो गाइज अच्छे कमेंट करा करो। इस बार हम आपको कमेंट बोल रहे हैं, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, शेयर कीजिए और जहाँ तक जहाँ भी जिन इलाकों में भी ये देहाती इलाकों में किले हैं उनको गवर्नमेंट डेवलपमेंट दे और उसको डेवलप करे। उससे क्या है कि हमारा भी गांव, हमारा भी मतलब गांव वालों का, जैसे जो भी जिन गांव में होते हैं किले, उनका दिल लगे। चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं कर सकता करते हुए, इसी के साथ हम इस वीडियो को बंद करते हैं।